हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव साई इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, हमारे पास एक ये प्रेस आई है, तो देखिए ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये सीरीज़ बोर्ड में हम इसका प्लग लगाएंगे और चेक करते हैं। देखिए, हमने ऑन कर दिया है और ये थर्मोस्टेट नॉब भी घुमा के हम देख रहे हैं, तो हमारा ना तो सीरीज़ का बल्ब जल रहा है ना इसका इंडिकेटर जल रहा है। तो दोस्तों, चलो ये खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसका बैक कवर खोल लेंगे। ये हमने बैक कवर को ओपन कर लिया और ये देखिए, मैं अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी जो वायर है वो वायर की कंडीशन एकदम बिल्कुल ख़राब है और बिल्कुल गल चुकी हैं ये वायर। तो ये वायर काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो ये नॉब हम हटाएँगे तो इसके नीचे दो स्क्रू लगे होंगे, तो इनको खोलेंगे और तो इसका ये जो कवर है ये ऊपर से निकल जाएगा, तब हमारे कनेक्शन अच्छे से हमें दिखाई दे जाएंगे और वायर भी हम खोल पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इसका ऊपर का जो कवर है वो निकाल लिया है और अब देखिए ये वायर बिल्कुल गली हुई है। तो हम इसको कटर से काट देते हैं और जो स्क्रू लगे हुए हैं जहाँ पर ये वायर लगी हुई है इनको भी हम खोल के निकाल लेते हैं। तो इसकी जो वायर है वो हम चेंज करेंगे, इसमें नई वायर लगाएंगे। तो ये हमने काट के इसको निकाल लेते हैं, जो ख़राब वायर इसकी जो गली हुई है उसको हम निकाल देते हैं। तो और अब इसमें हम पहले प्रेस को चेक कर लेते हैं वायर लगाने से पहले। सीरीज़ बोर्ड में प्लग लगा दिया है और ये देखिए, हमने सीरीज़ से इसको चेक किया है तो सीरीज़ बल्ब हमारा जल रहा है। तो इसका मतलब ये देखिए, प्रेस तो बिल्कुल ओके है और वायर ही ख़राब है इसकी। तो चलिए दोस्तों, वायर हम इसकी चेंज कर लेते हैं। वायर आसानी से मार्केट में मिल जाती है और हमारे पास नई वायर है। ये देखिए, ये वायर है और यही हम लगाने वाले हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, पहले इस वायर को इस में से निकाल लेते हैं, ये जो वायर सपोर्टर है इसके अंदर से। और ये देखिए, वायर जहाँ जहाँ लगी हुई थी रेड, ब्लैक और ग्रीन, वो हमने कनेक्शन इसमें कर लिए हैं और अब हम इसको फिट करेंगे। इसका कवर फिट कर देते हैं, जैसे हमने खोला था उसी हिसाब से इसको फिटिंग कर देते हैं। तो ये फिट कर लिया है और नॉब के नीचे के जो दो स्क्रू हैं वो भी हम लगा लेते हैं। तो दोनों स्क्रू हम लगा लेंगे और अच्छे से टाइट कर देंगे दोस्तों। ये देखिए, हमने इसके दोनों स्क्रू टाइट कर दिए हैं और नॉब भी लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बैक कवर भी फिट कर लेते हैं। तो इसका बैक कवर फिट करने से पहले देखिए दोस्तों, हमने इसका ये इंडिकेटर खोलते वक्त टूट गया था तो वो भी चेंज कर दिया है। तो जो बैक कवर हमने लगा लिया है, तो अब इसको चेक करते हैं। तो प्लग हम लगा लेते हैं बोर्ड में और स्विच ऑन करते हैं। देखिए, सीरीज़ का बल्ब जल चुका है और अब हम इसको डायरेक्ट चेक करेंगे। तो हम ये देखिए, हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडिकेटर भी अब जल रहा है और प्रेस अब बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। तो मेरे चैनल पे अगर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।